अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है और आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको टिप्स भी देने वाली हूं और एक बहुत ही अच्छे से डायपर्स के रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप दुबई में रहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे से डायपर्स चूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जी मेरा डायपर यूज़ करते हुए 4 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी मेरा डायपर्स के साथ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहता है मैं वो रियली ही रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज एक बहुत ज़बरदस्त सी रैश क्रीम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ टिप्स भी दूंगी कि आप अपने बच्चे को रैश से कैसे बचा सकते हैं, कि आपके बच्चों को रैश हो ही ना, अगर हो जाए तो उनको आपने कैसे ट्रीट करना है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में भी बनाई थी, क्योंकि मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर के मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे इंस्टा पर कि उनके बेटे को रैश हो गया, उनका बेटा 9 से 8 मंथ का है, उनको ट्रीट कैसे करें, उसके ऊपर कौन सी क्रीम लगाएं। लेकिन उनको मैंने जितना बताना था इंस्टा पर बता दिया था, क्रीम का भी बता दिया था। बस ये था कि बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी मैं ये वीडियो और ये बातें शेयर करूं, ताकि आपको आगे जाके इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े जो उनको करना पड़ा। आज जी हम बच्चों को लेके आए हुए थे मेगा मॉल, ये है जी शारजा में, और बच्चे यहाँ पर खूब फन कर रहे थे, इनको पॉपकॉर्न लेके दिए, चिप्स और जूस वगैरह, बस यहाँ पर खाना पीना चल रहा था। लिया तो सब बच्चों के लिए था, लेकिन बच्चे यहाँ पर खा नहीं रहे थे, अब हाथ में उठा के घूम नहीं सकते थे, तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके हमने खाया, कुछ मैंने खाया, कुछ बच्चों को दिया और कुछ बच्चों के पापा ने खाया। एनीवेज चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज के हम पहले बात करेंगे रैश के ऊपर कि बच्चों को रैश क्यों होते हैं, अगर हो जाए तो उनको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा बच्चों को रैश होते हैं। इसके लिए ये है कि एक तो आप अपने बच्चे को डायपर फ्री टाइम ज़रूर दिया करें, चाहे आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, तो डायपर फ्री टाइम मस्ट होता है। इसके अलावा जब भी बच्चे का डायपर आप चेंज करें तो उसको अच्छे से वाइप्स करें, वाइप अल्कोहल फ्री वाइप्स यूज़ करें, नहीं तो आप उसको वॉश कर लिया करें, अच्छे से पानी के साथ ही वॉश कर दिया करें, बार बार साबुन से वॉश नहीं करें, नॉर्मल पानी से वॉश करें, अच्छे से स्किन को ड्राई करें, उसके बाद कोई सी भी रैश क्रीम लगा दें। अगर आप कोई भी रैश क्रीम नहीं लगाते हैं तो कोकोनट ऑयल लगा दें, बेबी ऑयल लगा दें, बेबी लोशन लगा दें, इससे भी बच्चे की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है और बच्चे को फिर रैश नहीं होते हैं। और जब भी बच्चे को एक बार रैश हो जाए ना, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है और उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है, इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप केयर कर लें। इसके अलावा ये वाली जो रैश क्रीम है, ये मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं रैश के लिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों में से कभी किसी को रैश नहीं हुए। एक ही बार मेरे बड़े बेटे को रैश हुए थे जब ये 4 मंथ का था, और मुझे उस टाइम ये भी समझ नहीं आ रही थी ये ठीक कैसे होंगे और ये हुए कैसे थे। हुए इस तरह थे कि रात का टाइम था, मेरे बेटे ने कहीं पोटी कर दी और मुझे पता ही नहीं था, उससे इसको रैश हो गए। और मैं क्या कर रही थी कि बार बार जब वो शी पी कर रहा था तो मैं उसको वॉश कर रही थी बार बार साबुन के साथ, इस वजह से उसके रैश ठीक नहीं हो रहे थे। 3 दिन गुजर गए, फिर 4th दिन था। ये वाली क्रीम मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताई, वो क्योंकि वो लोग वहीं पर आए हुए थे हमसे मिलने दुबई में, तो फिर ये उन्होंने जाके, उनको नाम भी याद नहीं था, स्टोर से खुद लेके आई, और फिर मैंने ये वाली क्रीम अपने बेटे को लगाई तो बहुत ही जल्दी उसके रैश मतलब एक ही दिन में ठीक हो गए थे, और वो बहुत ही मुश्किल टाइम था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप भी अपने बच्चे को डायपर रैश से बचाना चाहते हैं तो बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें और उनका डायपर टाइम से चेंज करें, उनकी स्किन को अच्छे से ड्राई करें, मॉइस्चराइज करें, और उसके बाद बच्चे को डायपर लगाएं। और जब स्पेशली बच्चा पुपू कर देना तो फौरन से पहले उसका डायपर आपने चेंज करना है, उस टाइम पर 100% चांस होते हैं कि आपके बच्चे को रैश होने के। और जब भी बच्चों को रैश हो जाए तो इतना जल्दी वो ठीक नहीं होते हैं, फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा भी फिर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को तंग करता है, इससे बेहतर है कि आप पहले ही केयरफुल रहें और आपको ये सब चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े। आज की वीडियो में जिस डायपर के आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, ये है जी मकोको प्रो केयर पैंट्स डायपर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये 4 साल के मेरे सबसे बेस्ट वाले डायपर हैं, क्योंकि मुझे इतने पसंद आए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप आँख बंद करके ये वाले डायपर्स यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन बच्चे को इसमें रैश नहीं होते, लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और 9 से 10 घंटे ये डायपर चलता है। मेरा बेटा 2.5 साल का है, मैं इसको डायपर ये वाला 8 घंटे के बाद भी चेंज करती हूँ तो ऐसे लगता है कि 1 आवर पहले ही मैंने इसको ये डायपर लगाया था। बिल्कुल ये डायपर ड्राई रहता है, बच्चे की स्किन इससे ड्राई रहती है, रैश की प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल इसकी इलास्टिक है और
बहुत ही कह लें कि इसमें बच्चा हैप्पी रहता है। और जितने आपको ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं ना, और उतने ही पैसे इससे वसूल भी हो जाते हैं लगाने के बाद, क्योंकि कोई भी डायपर 9 घंटे या 8 घंटे नहीं चलता, लेकिन ये डायपर चलता है। आप 8 घंटे के बाद भी अपने बच्चे का डायपर चेंज करेंगे तो ये डायपर आपको ड्राई ही मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल केयर के लिए है। आप बार बार जो है ना इस डायपर को लगा के बच्चे को चेक नहीं करना पड़ता कहीं रैश तो नहीं हो गए, कहीं फूल तो नहीं हो गया। 8-9 घंटे आपके आराम से इस डायपर से निकल जाते हैं। थोड़ा सा महंगा है, अगर आप अच्छा डायपर अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो ये वाला डायपर ले सकते हैं। और ये मैं जो साइज़ अपने बेटे को यूज़ कर रही हूँ, ये 7 नंबर साइज़ था। वेट ऊपर लिखा होता है, बाकी सारी डिटेल इन्होंने डायपर के ऊपर पैकेट के ऊपर लिखी होती है। आप अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आप ये डायपर ले सकते हैं। हाँ जी, क्या करना है? मुझे भी करनी है। करनी है? आप तो बिग बॉय बन गए हो। तो फन बार बार नहीं होता ना भाई, तो छोटा है ना भाई को नेपी लगाइए। आप तो बिग बॉय हो ना, फिर उतार दोगे, फिर उतार दोगे ना नेपी उतार। हाँ। देखो शासन कितना बड़ा बिग बॉय बन गया। हाँ, जब आप इधर लेटो, इधर लेटो। जब शासन छोटा था ना तो शासन को मम्मा नेपी लगाती थी, ओके। अब देखो शासन बिग बन गया। देखो ये शासन की पिक्चर है, इसमें छोटे हो आप बेबी। हाँ, शासन भूल गया, यू बिग बॉय, ओके। ये देखो, अब आप बिग हो गए हो, अब नैपी नहीं लगानी, ओके। शयान भी, हाँ शयान ने भी यहाँ पर लगाई हुई है, ओके। वो भेज दो। हाँ जी, इधर भी लगाई हुई है चीजों ने। चलो अब ये मामा को दे दो आप, ठीक है। ये हम शयान को लगाएंगे। हम ये हमें बड़ा हो गया। यस, आप बड़े हो गए, गुड बॉय। यहाँ पर जी शासन की जिद चल रही थी कि मैंने पैम्पर लगाना है, और फिर इसको मैंने बड़े प्यार से समझाया तो ये मान गया कि ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब पैम्पर शयान को लगाना है। और यहाँ पर जी अभी सोने का टाइम था तो ये दोनों भाई खुद ही लगे हुए थे लोशन और क्रीम लगाने, और रेडी हो रहे थे सोने के लिए। बाकी ये है कि एक प्रॉब्लम सभी मदर्स के साथ होती है कि बच्चे का डायपर लीक हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप बच्चे को जब डायपर लगाते हैं तो ठीक से नहीं लगाते। उसके अलावा जो उनकी फ्रिल्स होती है ना डायपर की, वो नहीं खोलते हैं अच्छे से। डायपर की फ्रिल खोल के डायपर सेट करके बच्चे को लगाएंगे तो कभी भी डायपर आपके बच्चे का लीक नहीं होगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।